काम कुछ नहीं हो रही, देख ले काम दो किसकी उड्डा की बनावा काम दो भाई, समस्या ही समस्या काम में दो। अगर ये नौकरी के हिसाब से लगाए तो बहुत अच्छा काम हुआ। ठीक है, तरह से पूरा गंदा पानी इकट्ठा हुआ है के कुछ क्या कुछ समस्या है गांव में बताओ। यहाँ घर डूबल ना रे जियाड़ा, कहीं घर फूट गए जी। जी इस सरकार में बहुत से निष्पक्ष काम हुए हैं जी, लोग बीमार होते हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है। अच्छा, आप सभी को नमस्कार, युवा भारत असम देख रहे हैं। तो असंध हल्के के गांव जयसिंहपुर पर आए हम। जयसिंहपुर गांव की स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से पूरे गांव के अंदर पानी ही पानी है। एक पानी दो तरीके के है यहाँ, एक तो पानी अधिक एक पानी कम, मतलब हरियाणवी में एक तो पानी का टोटा हो रहा है और एक पानी पूरे हो रहा। पानी टोटा किसको हो रहा है, पीने वाले पानी का तो टोटा हो रहा है नुकसान लग रहे, और दूसरा पानी आप देख सको किस तरह से कितना पानी पूरा यहाँ पर भरा हो चुका, पूरा पानी भर चुका है, साफ पानी नहीं आ रहा। बता रहे हैं कि पीने का पानी दूसरा पानी है। क्या कुछ समस्याएं हैं जी गांव की? गंद है जी, ये पानी कहाँ जी, देखो अपने आपके सामने है। दो पानी बता रहे हैं ना गांव वाले से हमने बातचीत करी, एक तो पानी इकट्ठा हो रहा और दूसरा पीने वाला आंदा नहीं, निकासी नहीं जी। अच्छा, हाँ जी, बाहर निकासी नहीं है पानी की, इस कारण ये इकट्ठा हो रहा है, गलियों में भी ब्लॉक हो रहा है सारा पानी, सारी नाली ब्लॉक है जी, समस्या तो जी। तो पीने वाला पानी आ रहा है क्या? पीने वाला पानी खत्म हो गया, गंद भर गया काम। तो वही तो हम कह रहे थे ना भाई, पानी एक तो ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो ये वाला नाला कम हो रहा है, गंद वाला ज्यादा हो रहा है, वही हम बता रहे थे। तो कितने दिनों से समस्या आ रही है? कुछ दो महीने। अच्छा, सबसे ज्यादा तो 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो कुछ काम कुम हो या संद विधायक के पास भी गए होंगे कुछ काम किसके बारे में? अच्छा अच्छा, यू देख ले काम ठीक है। माता आवे पानी का पीने का घर, पीने वाला पानी? हां पीने वाला भाई, मारो तो आन दिन देख। अच्छा, कोई आंदा नहीं है, कोई टूटी बंद पड़ी है। अच्छा, तो भाई स्कूल में जाते होंगे, दिक्कत तो होगी पानी इकट्ठे हो रहा? हां दिक्कत तो है जी। अच्छा, तो कितना होएगा इसका समाधान? देखो अभी जी कुकर होगा। अच्छा, तो कुछ और से हम बातचीत करते हैं उसके विषय में। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। पानी पुनी इकट्ठा हो रहा है, इसके क्या कुछ समस्या है? देखो जी ऐसे है, गांव के अंदर पहली तो बात यह है कि निकासी नहीं है। निकासी नहीं है तो जितना भी गंद है, मैशों का गोबर है, वो सारा का सारा ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ, और इससे मच्छर होता है, गंदगी होती है, लोग बीमार होते हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो अच्छे दिन की बात करके और सिर्फ वोटों की ये बात करती है, और ये तो कहती है भाई घंटी बजाओ बाबे बन जाओ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं काम की, काम कुछ नहीं हो रहा जी। जनता बैठ दी, जैत और धर्म पे बैठ दी, मालिम भाई या फलानी जैत है या फलानी जैत है, और जैत से बड़ी जमैत हो है, कट्ठे होन नहीं दंदी है सरकार। अभी अब सरकार चुनाव होने हैं, किसकी सरकार लाओगे? सरकार देखो जी जनता का हाथ में है, जनता जी ने चाहोगी वो आएगा। जनता तो आप भी हो ना? हाँ मैं भी हूँ, मैं ये चाहता हूँ बीजेपी ना बने, हम यही अपील करेंगे जनता से। कौन सी बना है, कौन चाहो, कौन सी सरकार? देखो जी अभी मतलब कोई भी बन जैसे तो सभी खड़े हैं। अच्छा, कोई भी पार्टी हो, लेकिन अभी INLD है उसके भी दो भाग हो गए, कांग्रेस है उसमें भी जुत्ता बाज रहा है भाई, कोई तवर गुट है कोई उड्डा गुट है, तो इसमें अभी तक कुछ नहीं कहा जाएगा। जो भी डेट आवेगी, जो जो लो लगेगा, समीकरण बदलते रहेंगे, बाद में सही बेरा लगेगा, अभी ये नहीं पता कौन सी सरकार बनेगी जी। ठीक है जी, अभी पता नहीं कौन सी सरकार बनेगी। हाँ। अपना क्या कुछ है वैसा विचार? अभी आ जाएगा, निंगा भी आ जाएंगे। राम राम जी। अरे भाई मैं तो हुए हैं, बोल काम में के कुछ काम हुए हैं, काम में काम कुछ नहीं हो रही, देख ले काम दो। अच्छा, सब तो बड़े हुए काम है, इलेक्शन होने ये तो हो गया काम में। अच्छा। के जो आवेगा वोट मांगने किसकी सरकार बनाओगे? किसकी उड्डा की बनावा काम दो, उड्डा की और भूपेंद्र सिंह उड्डा कांग्रेस। अपनी के कुछ राय है भाई साहब, गांव की समस्या तो बड़ी गंभीर है, के कुछ कहोगे भाई? समस्या ही समस्या काम में, तो पिछले 5 साल में भी कुछ काम कम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ भाई, 0% काम है। अच्छा। जिंग लागा भाई छेड़ा काम ना, और बंद है काम, आगे चलता ही नहीं काम। ये फिर किसकी किसने बनाओगे सरकार? सरकार तो भाई का उड्डा की बनावाएंगे, भूपेंद्र सिंह उड्डा की बनावाएंगे भाई। चलो, तो जयसिंहपुर गांव की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से पूरा गांव में पानी की निकासी न होने के कारण किस तरह से गंद इकट्ठा हुआ पड़ा है। ये तस्वीरें गांव जयसिंहपुर की जमीन की तस्वीरें हैं, अलग अलग राय हैं काम को लेकर, लेकिन समस्या ये गंभीर है। जयसिंहपुर गांव के अंदर की तस्वीरें हैं ये, इधर तक तो सड़क पक्की है, लेकिन उसके बाद की पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा
गंदा पानी इकट्ठा हुआ है के कुछ क्या कुछ समस्या है गांव में बताओ। या घर डूबना है रे जी, आड़ा कहीं घर फूट गए जी। अच्छा आड़ा ये देखो जी कितने गंदगी फैल रही जी। गंदगी फैल रही हाँ जी, बच्चे भी बीमार हो जी गणे जी। ठीक, स्कूल काल में जानते हो दिक्कत आती होगी। गणी दिक्कत आवे जी। ठीक, इलेक्शन होने घर क्या ना किस तरह होगा, कितना वोट दवाएगा पता नहीं जी, तो घर कहीं देवेंगे जी। बाकी काम नहीं हो रहे हैं। हाँ जी ठीक बात, अभी भाई ने छोटे भाई ने सही बताया भाई, बहुत कुछ समस्या है पानी की समस्या के अलावा भी क्या कुछ गांव के अंदर काम क्यों हुए हैं, क्या कुछ समस्या है भाई? कुछ काम नहीं है। अच्छा कोई भी सरकार है जो मारा, देखो घर भी डूबे हैं, पीछे भी डूब रहे हैं, आगे भी डूब रहे, मकान देख लो कैसे हैं। सरकार चाह रही है भाई मकान पक्के बनाओ, सरकार की दम देख लो भाई मकान की और सर्वे कर ले बस। ठीक बात है जी। ठीक है ना, कोई मकान तो पक्के नहीं। अभी अभी चुनाव होने हैं, अभी क्या कुछ लगता है कि कौन सी पार्टी ठीक है, किसने बनाओगी भाई? हम तो किसी तो दे लें वोट देनी हमने तो, लेकिन फायदा हमने तभी है जब किसी को अपने को MLA चुने। ठीक बात है जी। क्या कुछ असंद से कौन MLA होना चाहिए? असंद से तो जी क्या कुछ कह ही नहीं सकते जी इसके बारे में, तो अभी पंडित जी राम शर्मा होना चाहिए। पंडित जी राम शर्मा जी। ठीक है जी, तो सर अलग अलग अपनी क्या राय है जी? हमारी राय ये है जी, जी इस सरकार में बहुत से निष्पक्ष काम हुए हैं जी, जैसे नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, नौकरी वाला एक मिला भाई साहब पूरे गाँव में, मैंने पूछा अब तो खुल कर। हाँ, और भ्रष्टाचार पर निकेल है। अच्छा, हर एक कर्मचारी है ना डर हाँ। डर के काम कर रहा है कहीं मैं फंस ना जाऊँ। कर्मचारी किससे डर रहा है? अफसरा तो डर रहा, एक नेता था डर रहा। नहीं वो सब से सरकार के प्रेशर से डर रहा है, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की स्कीम निकाल रही है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब खुश हो। हाँ बिल्कुल। अरे यू हो रहा है गाँव में क्या ये हो रहा ना? ये बताओ अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है। अच्छा बिल्कुल, ये सवेरा निकाले फिर किसकी सरकार बनाओगे? तो सारा तो घुमा दो, आपने सिद्धि बता दो सिद्धि। हाँ। दोबारा खट्टर सरकार आनी चाहिए। और विधायक, विधायक जो भी बीजेपी का होगा, जो भी बीजेपी होगा। ठीक है जी, तो इनकी सबकी कुछ युवा भाई साहब उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ है भाई साहब तारे भी? निष्पक्षता से नौकरी मिल रही और दूसरी तरफ गंद भी हो रहा, गाँव देखोगे नौकरी देखोगे? ये नौकरी काम तो बहुत अच्छा हो रहा ठीक है, लेकिन पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी है यहाँ पर। तो अभी चुनाव इलेक्शन होने, मुद्दे क्या रहेंगे भाई? नौकरी दवा दी तो सरकार ना वोट दे हो गया, पानी नहीं वोट नहीं देंगे ना, तो ये तो सभी सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर ये नौकरी के हिसाब से लगाए तो बहुत अच्छा काम हुआ। ठीक है जी, क्योंकि ये गरीब परिवार के बच्चे लगे। ठीक है, जो भी जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था और सिफारिश नहीं थी और मेरिट लिस्ट के आधार पर बहुत अच्छे लगे। ठीक है, लेकिन ये पानी की निकासी तो काफी सालों से है, इसकी किसकी गलती मानो? मतलब ये बड़े खट्टर साहब की गलती है, छोटे आदमी की गलती नहीं? ये खट्टर साहब की तो नहीं है गलती, लेकिन ये मतलब छोटे से लेकर बड़े तक की गलती है। हाँ ठीक बात, ठीक बात है जी। तो बातचीत करते अपनी क्या कुछ राय है जी? अपना के कुछ दुखड़ा आप बता दो। देख लो कह रहा है सर को तो अपने दिखने लग रही है। नहीं बालक कैन भी लग रहे, नौकरी भी मिलने लग रही है। एक तो कोई जो इस पाल समाज ने तो कोई नहीं फायदा। ठीक बात है, जीत ले वोट। तो ईव के देखोगे इलेक्शन में, नौकरी देखनी या फिर काम नहीं होए? भाई मैं नौकरी नहीं देखनी, कुछ नहीं देखनी, हमने फिर भी दिहाड़ी करके खाना है। अपनी दिहाड़ी इस पाल समाज में एक भी पाल समाज का कोई गांव नहीं लग रहा है। ठीक बात है, नौकरी पे ठीक है। तो फिर के सलाह बनी क्या सलाह भाई? जिस पे दोनों साहब को तो कह देंगे भाई दे दिए तेरे तरह आए हम। चलो जी माता राम राम। ठीक है माता, ठीक है भाई। गांव में यू तो देख लिया हमने, के कुछ लागे सरकार ने कुछ करया? जे कुछ करया कुछ पूछूं मैं? कुछ नहीं करया भाई, कुछ नहीं। बॉडी सूख ली। पिलसन कितनी आवत है तेरी? पिलसन तो आवे आ रही है, फिर यहां जाकती है क्या करेंगे? जिन्नर कोई रोजगार भी कोई नहीं है। ताई पिलसन तो बिबदा दी। किसकी किसकी सरकार बनाना चाहो, किन्ने विधायक बनाओ भाई? किसकी सारी है सरकार ठीक है हमारे कंधे पे, सारी ठीक है ये भी बात ठीक है जी। चलो जी आप बोलो, धन्यवाद, जय हिंद।